लिखा है कि यदि ये कदम एनएसजी में भारत की सदस्यता हासिल करने की कोशिश में चीन द्वारा उसका साथ न दिए जाने की प्रतिक्रिया है तो इस बात के गंभीर परिणाम होंगे। द ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि चीन ने एनएसजी में भारत के शामिल होने का विरोध किया इसलिए भारत अब बदला ले रहा है। यदि नई दिल्ली वाकई एनएसजी सदस्यता के मुद्दे के चलते बदला ले रही है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बता दें कि चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के 3 चीनी पत्रकारों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। सोमवार को स्पीकर ने एक्शन लेते हुए मान के 3 अगस्त तक संसद आने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 1-9 सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला किया गया जो मामले की जांच करेगी। लोकसभा स्पीकर ने इसके साथ ही भगवंत मान को 26 जुलाई तक कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने को कहा है। कमेटी 3 अगस्त से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये रिपोर्ट बाद में सदन के पटल पर रखी जाएगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती मान को संसद से दूर रहने के लिए कहा गया है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्होंने कहा इस सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों को सरकार से उम्मीदें थी। जम्मू कश्मीर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जम्मू कश्मीर में जो हालात है वे ठीक नहीं है। हम सत्ता की नहीं देश की बात करते हैं, इसलिए ये सब सवाल उठा रहे हैं। चाहे सरकार अटल जी की रही हो तब भी बाला साहब ठाकरे सवाल करते थे, अब बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, हम लोग देश के लिए सवाल उठाते रहेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कहा कि बीजेपी हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि देश की तस्वीर साफ नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे फॉग चल रहा है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सलमान खान को चिंकारा मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। सेशन कोर्ट से अभिनेता को 5 साल कैद की सजा मिली थी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही सलमान को बरी करने का फैसला सुनाया गया। मामले में 12 आरोपी थे जिनमें से 11 को बरी किया जा चुका है। इसका लाभ सलमान को मिला। सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री उनके वकील के साथ जोधपुर हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट के फैसले को बिश्नोई समाज आगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजकर विदेशों में उनके निवेश के बारे में जानकारी मांगी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजकर शाहरुख खान से बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और दुबई जैसे देशों में निवेश का ब्यौरा मांगा गया है। सिंगापुर के जरिए इसी तरह के निवेश करने वाले कुछ दूसरे कारोबारियों को भी ऐसे ही नोटिस भेजे गए हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि डिपार्टमेंट के पास शाहरुख की विदेशी संपत्तियों के बारे में मिली जानकारियों में रकम काला धन के तहत आती है या नहीं। जानकारी के मुताबिक ये नोटिस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 131 के तहत भेजा गया है। ये एक्ट टैक्स अधिकारियों को जांच का अधिकार देता है। गिरफ्तारी के बाद कल पहले उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए एम्स ले जाया गया। बाद में रात करीब 12:30 बजे पुलिस उन्हें लेकर संगरूर के लिए रवाना हो गई। विधायक नरेश यादव की कोर्ट में पेशी से पहले मालेर कोटाला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप कार्यकर्ता विधायक की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए विरोध कर रहे हैं। नरेश यादव ने कहा कि मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं, लेकिन मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के मुताबिक नरेश यादव के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। आरोपी विजय ने मालेर कोटला मामले में नरेश की भूमिका बताई थी। इनके फोन रिकॉर्ड भी इस बात का सबूत देते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि कश्मीर घाटी में शांति और सामान्य स्थिति बहाल होने दें। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुरक्षा बलों को भीड़ के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल से यथासंभव परहेज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे गैर घातक हथियारों के उपयोग पर गौर करने के लिए उनके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी के हालात से बहुत चिंतित है। गृह मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब है कि नई दिल्ली ने एक दिन पहले ही स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का है और वह कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा शनिवार को दिए गए बयान कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है और वह कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, कश्मीर के भविष्य पर ऐसा फैसला सिर्फ कश्मीर के लोग सुना सकते हैं, ना कि भारत की विदेश मंत्री।
महबूबा ने कहा कि आज जब कोई कश्मीरी बच्चा बंदूक उठाता है तो वो पाकिस्तानी उसे नेता बताते हैं, लेकिन जब कोई उनका अपना बच्चा बंदूक उठाता है तो वे उस पर ड्रोन से हमला करते हैं और सैन्य अदालतों में उन्हें फांसी देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हमारे बच्चों को बंदूक उठाने के लिए उकसाते हैं और कहते हैं कि अगर आप मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो आप हमारे नेता बनेंगे, लेकिन उसे अपनी नीति बदलनी होगी। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की पाकिस्तानी नेताओं ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश में इसकी तस्वीर साफ नहीं है। ठाकरे ने 26 जुलाई को अपने जन्मदिन से पहले पार्टी के मुखपत्र सामना को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इसके लिए कौन जवाबदेह है। अमरनाथ यात्रा निलंबित की गई है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, जवानों पर हमले किए जा रहे हैं, हर किसी को उम्मीद थी कि सरकार में बदलाव के बाद परिदृश्य बदलेगा। उद्धव ने दावा किया कि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस पर जोर दिया कि अब से आगे हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन घाटी में हिंदू संकट में है। मीडिया से मुखातिब ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने देश की चिंता करें, हमें सलाह ना दें। पाकिस्तान आग में जल रहा है और नवाज शरीफ भारत को सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के हालात पर केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सांसद ओवैसी ने कहा कि कश्मीर में बिगड़े हालात की चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। प्रधानमंत्री जब चाहे कश्मीर के हालात में सुधार कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के कार्यकाल में जो काम कश्मीर में हुए उन पर अमल करने की जरूरत है। इस इलाके में विस्फोट और विमान की मदद से तलाशी अभियान और सघन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी मिला नहीं है। लापता विमान की खोज के लिए एक और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। चेन्नई से करीब 300 किलोमीटर दूर जहां से विमान के रडार से अंतिम बार संपर्क टूटा था, वहां पर अब मौसम थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन समुद्र अभी भी रफ है। लापता विमान की खोज में नौसेना के 12 युद्धपोत, कोस्ट गार्ड के 4 जहाज और 17 विमान लगाए गए हैं। दिल्ली में इस संगठन की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक के दौरान करीब 1000 प्रतिनिधि नई पार्टी बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। आम आदमी पार्टी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने स्वराज अभियान संगठन बनाया था, लेकिन इससे राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई थी। अब 31 जुलाई को होने वाली मीटिंग में इस बात का ऐलान हो सकता है। फिलहाल स्वराज अभियान की 6 से ज्यादा राज्यों और 100 से ज्यादा जिलों में निर्वाचित इकाई बन चुकी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मामले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को निशाने पर लिया है। तेजस्वी ने ट्विटर पर सुशील कुमार मोदी पर हमला बोला और कड़ी टिप्पणियां की। तेजस्वी ने ट्वीट कर बीजेपी नेता सुशील मोदी पर व्यंग करते हुए कहा कि कौन फैला रहा है बिहार में जंगलराज, सुशील कुमार मोदी जी देखिए अपने परम प्यारे टूना पांडे की करतूत, निकालिए अब कैंडल मार्च। तेजस्वी प्रसाद यादव ने सुशील कुमार मोदी के उस ट्वीट को भी शेयर किया जिसमें सुशील कुमार मोदी ने टूना पांडे की जीत पर उन्हें बधाई दी है। आजम खान ने कहा कि बादशाह ने एक साल में देश के हर परिवार को करोड़पति बनाने का वादा किया था, लेकिन अब परदेशी हो गए हैं। मोदी ने विदेशों में ढोल नगाड़े बजाने का नंगे भरा काम किया है। आजम ने कहा कि दो राजनीतिक दलों के हाथ में जूता है और दोनों एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। अब ये दो बदतमीजों में मुकाबला है। हमारे ऊपर इल्जाम था कि हमने मुजफ्फरनगर दंगा कराया है, हमसे कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं, वे हमें पाकिस्तान में ही भेजना चाहते हैं, वे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये बात साबित हो कि दंगा मैंने कराया था तो मुझे कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल पर फांसी लगा दो, क्योंकि भारतीय रेल ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्ञान और मनोरंजन के लिए रेल रेडियो सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है जो आपात और आपदा की स्थिति में भी कारगर हो सकती है। सरकारी लोक परिवहन में प्रीमियर सेवा ट्रेन सहित करीब 1000 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में इस सुविधा को शुरू करने की योजना बनाई है। योजना के मुताबिक कोचों में लगे सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर यात्रा की केवल लोकप्रिय गीत संगीत सुन सकेंगे, बल्कि हर घंटे ट्रेन संबंधी नवीनतम सूचना से भी अवगत होते रहेंगे। इस प्रणाली का इस्तेमाल आपात स्थिति में चेतावनी देने के लिए किया जाएगा।